हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम लेक्चर में लेके आए हैं एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है एम्पिसिलिन। ठीक है, इसके बारे में भी काफ़ी मैं फार्माकोलॉजी पे भी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड भी हो चुका है। तो आप अगर देखना चाहें फार्माकोलॉजी के वीडियो तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो। ठीक है, तो आज के लेक्चर क्या है एम्पिसिलिन के बारे में। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करने वाला, या तो बैक्टीरिया को किल करेगा या तो बैक्टीरिया को क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, मतलब कि कम करेगा। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं, इसमें देखेंगे इसका ब्रांड नेम क्या है, डोज क्या है, मेकानिज्म ऑफ एक्शन की कैसे बैक्टीरियल सेल को जाके उसको किल करता है या इनहिबिट करता है। ठीक है, इस पर मेरा आज का पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे आप अगर चाहते हैं एम्पिसिलिन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इट यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये जो है एम्पिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय दी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है, एनारोबिक हो या एरोबिक बैक्टीरिया हो। ठीक है, मतलब कि इसका जो काम करने का जो क्राइटेरिया है वो ब्रॉड है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ब्रॉड है और स्पेक्ट्रम, ब्रॉड मतलब कि बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो उसको भी ये किल कर रहा है, या तो उसको ग्राम निगेटिव हो, एरोबिक हो, एनारोबिक हो, मतलब कि ये पूरे चार तरह के बैक्टीरिया जो है ये उसको किल कर रहा है, उसको जो ग्रोथ है अपने बॉडी में होने से रोक रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसका हम कैटेगरी देखा जाए तो ये है बीटा लैक्टम की। ठीक है, बीटा लैक्टम के कैटेगरी में आता है। ठीक है, बीटा लैक्टम से आपको याद रखना है कि 20 से बीटा लैक्टम, 20 से ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और 20 से मतलब कि बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर मतलब कि एरोबिक हो, एनारोबिक हो, ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम निगेटिव हो, बैक्टीरिया को ये किल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बीटा लैक्टम कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। उसके बाद से हम समझते हैं कि इसका ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, ब्रांड नेम मतलब कि आपको किस किस नाम से मेडिकल स्टोर पे ये उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ये एम्पिसिलिन एक जेनरिक नेम है। ठीक है, जेनरिक नेम को आपको भूलना नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ब्रांड नेम मतलब कि ऐसा कौन कौन सी कंपनी है जो उसको, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको बनाती है किस किस नेम से। ठीक है, तो ये एम्पीवेल 500 के नाम से ज़्यादा चलता है। उसके बाद से है एम्पीफिन 500। ठीक है, एम्पिसिलिन 250 एंड बेसिपेन, ये क्या है, एक तरह का ब्रांड नेम है। ठीक है, और ब्रांड नेम के बाद से समझते हैं कि इसकी डोज क्या है, 0.5 to 2 ग्राम। आई वी दे सकते हैं, इंट्रावेनस के फॉर्म में भी आता है, या आई एम इसको दे सकते हैं, या टेबलेट के भी फॉर्म में आता है। ठीक है, पर 6 आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सिवेरिटी। ठीक है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो पर 6 आवर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग। अगर कम है तो बीडी मतलब कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 0.5 to 2 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे 0.5 का मतलब क्या हुआ, 500 mg। ठीक है, 1000 mg का 1 ग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 ग्राम के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो 500 mg से ले करके mg के फॉर्म में समझे तो 2000 mg, मतलब कि 2 ग्राम के फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिवेरिटी। ठीक है, इतना समझ गए डोज। उसके बाद से समझते हैं मेकानिज्म ऑफ एक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए, एम्पिसिलिन एक्ट अगेंस्ट दी ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एरोबिक एनारोबिक, जैसा अभी मैंने बताया कि ये उसके अगेंस्ट में काम करता है, और कैसे काम करता है आइए समझते हैं। ठीक है, इट बाइंड द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तो उसके सेल वॉल के साथ क्या करेगा, सबसे पहले बाइंड करेगा, मतलब कि उसके साथ जो है वो जा करके जुड़ाव होगा, बाइंड होगा मतलब कि बंधना। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, इट इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल,
मतलब कि बैक्टीरिया जो है, देखिए बैक्टीरिया जब भी अपने बॉडी में जाता है ना, तो क्या करता है कि अपने बॉडी फ्लूड के साथ उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। वो बैक्टीरियल के सेल वाल जो है अपने बॉडी के साथ बॉडी फ्लूड जैसा कि प्रोटीन उसको मिलता है, तो वो सिंथेसिस करता है, मेटाबॉलिक अपना रिएक्शन करता है। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, खाना पीना उसको सब उसको मिलता है, अपने बॉडी के फ्लूड से मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वाल, ठीक है, बैक्टीरियल का सेल वाल का जो सिंथेसिस हो रहा है, बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस, ठीक है, बैक्टीरिया जो सिंथेसिस कर रहा है अपने न्यूट्रिएंट्स, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है अपने बॉडी में एंटर होकर के और इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट का मतलब क्या होता है कि रोकना, रोक देगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, रिजल्ट लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का टूट जाना, ठीक है, टूट जाना। अब आप समझिए कि जब बैक्टीरियल सेल वाल जब टूट जाएगा तो क्या होगा, वो इतना केपेबल नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा तो धीरे धीरे टूटेगा सेल वाल, उसका रप्चर हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। टूट जाएगा तो क्या, उसको अपने मल्टीप्लिकेशन जैसा उसका सेल का, बैक्टीरियल सेल वाल का जो प्रोलिफिकेशन अपने बॉडी में होना चाहिए, दो बैक्टीरिया चार से दस, मतलब जो उसकी जो जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। अब वो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस सेल वाल को सिंथेसिस को रोक रहा है, इतना समझ गए। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, रूम में, एक रूम में क्या हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी चारों तरफ की दीवार को तोड़ दिया जाए, यहाँ पे क्या है, सेल वाल इनहिबिशन या लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, इस रूम के चारों तरफ की दीवारों को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा रूम में, चारों तरफ से सब कुछ तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही है कि ये बैक्टीरियल सेल वाल के सिंथेसिस को क्या करता है कि रोकता है, और रोकने के बाद से वो लाइसिस हो जाता है, लाइसिस मतलब टूट जाना, और टूटने के बाद से क्या होगा, धीरे धीरे बैक्टीरियल का जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो रिकवर होने लगता है पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन है। उसके बाद से देखिए हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कोई भी क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल का सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम निगेटिव, एरोबिक बैक्टीरिया भी हो सकता है या एनारोबिक बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है उस कैटेगरी के अंदर वाले। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सेल वाल को जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। तो हर बैक्टीरियल सेल हो या अपने बॉडी के सेल हो, उस पर क्या रहेगा, कुछ जो है रिसेप्टर रहेगा, हम इसको रिसेप्टर मान लेते हैं, ठीक है। जब भी एंटीबायोटिक का कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स जाएगा, कोई भी यहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कि ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है, बैक्टीरियल सेल के रिसेप्टर के साथ जा करके ये क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है, और जुड़ने के बाद से इसको बाइंड कर लेगा, जैसा मैंने बताया था कि जुड़ जाएगा, जुड़ना मतलब कि बाइंड हो जाना, रिसेप्टर के साथ जाके क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद से क्या होगा कि इस सेल वाल पे जाके वो अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो सेल वाल है बैक्टीरिया के, जो रेड कलर का जो सेल वाल है, ये टूटने लगेगा, लाइसिस हो जाएगा, लाइसिस का मतलब है कि टूट जाना। और यहाँ पे जब टूट जाएगा ना तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया इतना कैपेबल नहीं रह पाएगा, अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोले तो इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेल वाल से क्या कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी प्रोसेस है मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा था, हमारे बॉडी फ्लूड के साथ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, लेकिन हम सेल वाल को क्या किए, एम्पीसिलिन के द्वारा हम इसको तोड़ दिए हैं तो क्या होगा कि ये सेल वाल से जो है वो सिंथेसिस नहीं होगा हमारे बॉडी फ्लूड के साथ, और धीरे धीरे क्या होगा कि अपने बॉडी में जो इन्फेक्शन था वो रिकवर होने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या था, पूरे होल ओवर थी मेकानिज्म ऑफ एक्शन रहा, ठीक है। उसके बाद से हम समझते हैं इसका यूजेस। देखिए यूजेस से आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक, ये अपने बॉडी में अगर जीआईटी में अगर इस टाइप का बैक्टीरिया कोई है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, तो ये ब्रॉड लेवल पे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं हम, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकाई में कुछ भी इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन बोले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन नहीं है कभी भी। यहाँ पे एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में दे रहे हैं, वायरल के इन्फेक्शन के हम नहीं दे रहे हैं, ना ही पैरासाइट के, ना ही फंगल के इन्फेक्शन के लिए दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि हमको ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में दे रहे हैं। उसके बाद से क्या है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजस लेयर में जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड के जो लेयर है मेनिंजस में, उसमें अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस।
मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसमें एम्पिसिलिन का यूज होता है। उसके बाद से देखते हैं यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि ज़्यादातर फीमेल में होता है, मेल में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद से है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या हुआ कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाना, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी दिया जा सकता है। डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस में भी दे सकते हैं। और भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड, आपको अगर इन्फेक्शन हो रहा है उस कंडीशन में बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं देना है, जब तक हमको कन्फर्म नहीं है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, तो ऐसे अनऑथोराइज तरीके से ज़्यादा इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं दे सकते हैं, या तो अपने बॉडी पे उसका साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, इसका पहले क्या देखें, यूज देखें या उसका इंडिकेशन, ठीक है, क्या क्या उसका इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एम्पिसिलिन को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, हिस्ट्री ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी टू एनी बीटा लैक्टम क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम की अगर किसी भी एंटीबायोटिक से अगर हाइपरसेंसिटिविटी हुआ है पहले कभी भी हिस्ट्री रहा है, तो उस टाइम पे एम्पिसिलिन को भी हम नहीं देंगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा उनके बॉडी में रेसेस होने लगेंगे, रेडनेस होने लगेगा, टेकिकार्डिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा उनको घबराहट हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है सीवियर डायरिया, ठीक है। एम्पिसिलिन जो है वो क्या करता है कि अपने बॉडी में जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में ना कुछ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ठीक है, थीके? और फ्लोरा का काम क्या होता है, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए फ्लोरा का काम ये होता है, वो एक तरह के नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, थीके? और वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से ना, तो क्या होता है कि जो स्टूल का जो वहाँ पे वाटर लेवल होना चाहिए स्टूल, मतलब कि वो उसमें डायरिया नहीं होने देता है, वो वाटर का वहाँ पे प्रेजेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो स्टूल का जो नेचुरल जो होना चाहिए नेचुरली में उस कंडीशन में होता है, लेकिन अगर हम एम्पिसिलिन देते हैं तो वो नॉर्मल फ्लोरा को डैमेज करते हैं और वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के चलते क्या होगा कि वहाँ पे वाटर का लेवल, वहाँ वाटर रिटेंशन होगा, वाटर रिटेंशन होगा तो क्या होगा वहाँ पे डायरिया होने के चांसेस रहता है, ठीक है। तो एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे नौजिया और वोमिटिंग जैसा लगेगा, स्टमक क्रैम्प से लगेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद से क्या है, वेजाइनल इचिंग, फीमेल में क्या होगा कि वेजाइनल इचिंग होगा, और डिस्चार्ज भी देखा गया है किसी किसी पेशेंट में, ठीक है। ये उसका कुछ साइड इफेक्ट्स रहा जो कि किसी किसी पेशेंट में देखने को मिला है। तो आज का हमने लेक्चर में क्या देखें, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए दिया जाता है, और एक तरह का क्या था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक था जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एरोबिक एनारोबिक ये जितने तरह का बैक्टीरिया है उनको ये क्या करता है, सेल वॉल को सिंथेसिस से रोकता है, लाइसिस करता है, तोड़ता है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहा, इससे रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।